लेकिन स्वार्थ के वशीभूत इन लोगों ने उस वक्त कांग्रेस पार्टी को और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जानबूझ करके अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए झूठे आरोप लगाए, झूठा प्रचार किया। आज फिर जब वो प्रचार नहीं इनसे सिरे चढ़ पाया तो आज सब लोग दूसरी पार्टियों के लोग भी कहते हैं भाई इंडिया का साथ दे दो, हुड्डा साहब को कहते हैं मिलकर चुनाव लड़ो। अरे जब हुड्डा साहब मिलने की बात करते थे आदमपुर बाई इलेक्शन में, उस वक्त तो आप कांग्रेस को पानी पीपर के गाड़ियाँ दे रहे थे, आज बीजेपी की टीम के लिए काम कर रहे थे। आज हुड्डा साहब कैसे कह सकते हैं कि मैं आपका स्वागत करता हूँ आप इंडिया में आए। सर, अभय चौटाला ने रैली की, कांग्रेस को भी न्योता दिया, तो कांग्रेस के जो भी है नेता नहीं गए। अब अभय चौटाला का ये कहना है कि अब जो जनता हुड्डा का घमंड तोड़ने का काम करेगी। हुड्डा का घमंड? हुड्डा में घमंड क्यों नहीं, हर क्यों तोड़ेगी, किसके कहने से तोड़ेगी, मेरे बात समझ में नहीं आती। अभय सिंह चौटाला क्यों बार बार हुड्डा साहब का समर्थन सहयोग मांग रहे हैं? ये तो ये कहते थे कि कांग्रेस का हमारा तो संबंध ही नहीं, कोसों दूर का संबंध है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहते हैं कांग्रेस ने हमारी सजा कराई है, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों करें बात इनसे? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ किस तरह के, अभय सिंह चौटाला ने 5 वर्ष तक, आप लोक विधानसभा की कार्रवाई निकाली, मैं भी MLA था इंडिपेंडेंट, 5 के 5 साल बीजेपी का साथ दिया और हुड्डा साहब कर कांग्रेस के खिलाफ जम के बोला। बोलना तो चाहिए था बीजेपी के खिलाफ, वो बोलते रहे कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ। आपको आदमपुर का इलेक्शन तो याद होगा, कूड़ाराम किसका कैंडिडेट था? लोकदल का था ना, तो लोकदल किसके लिए वोट मांग रहा था? बीजेपी के लिए। वो मेरे खिलाफ बोलते थे, हुड्डा साहब के कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे। जब वो 53,000 वोट आई इनको जचगी कि भाई अब कांग्रेस की बहुत आवाज़ आएगी, हुड्डा साहब एक पॉपुलर नेता बने, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के बाद अगर हरियाणा प्रदेश में कोई जननायक है, जनता का नेता है, मास लीडर है, तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो आज कांग्रेस पार्टी की हवा है, आज तो सब कोई आना चाहेगा कि कांग्रेस में आए, कांग्रेस में आए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब सही बात कहने का समय था, जब तो सही नहीं कही लोगों ने, तो एलनाबाद में इसलिए जिताया था ना कि किसानों के समर्थन में ही इस्तीफा दिया था, और एक महीने के बाद बीजेपी को फिर वोट डाल दिया। कौन विश्वास करेगा इन लोगों?